नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल Easily Explained Everything में आपका स्वागत है। अगर आप किसी थर्मल पावर प्लांट के आसपास या 20 किलोमीटर दूर से भी गुजरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पास में कोई थर्मल पावर प्लांट यानी बिजली बनाने वाला प्लांट है, और इसका एकमात्र कारण है कि उसकी चिमनी आपको 20, 25, 30 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाएगी। तो आइए जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट की ये चिमनियाँ इतनी ऊंची क्यों बनाई जाती हैं। इसको जानने के लिए पहले एक थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं, और वो चीज़ है, आप ये देख रहे होंगे कि घर में चूल्हा जला करके खाना बन रहा है। इस चूल्हे को जलाने से, घर में जो ये चूल्हा जल रहा है, इस चूल्हे को जलाने से ये जो धुआँ निकल रहा है, ये धुआँ इस पूरे घर में फैल रहा है, और घर में इस चूल्हे से एक हीट भी जनरेट हो रही है जो पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर इस गर्मी और इस धुएं से बचना है तो आपको चिमनी लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि चिमनी काम कैसे करता है। तो चिमनी को इतनी ऊंचा बनाने का मात्र दो कारण होता है। सबसे पहला कारण ये होता है कि जो पिछले स्लाइड में आपने देखा कि ये जो धुआं जनरेट हो रहा है, ये आपके घर में जनरेट हो रहा है और इसे सिर्फ आप कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसे आप चिमनी से निकाल देंगे बाहर, तो एक तो ये बाहर हवा में उड़ जाएगा और पूरे वातावरण में फैल जाएगा, जिससे कि हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा धुआं लगेगा, जिससे पॉल्यूशन का इफेक्ट कम होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप चिमनी नहीं लगाएंगे तो ये धुआं आप ही कंज्यूम करेंगे, जिससे आपको तरह तरह की समस्याएं होंगी। सेम फंक्शन यही होता है, चिमनी जो चिमनी का हाइट इतना बड़ा होता है, जो जब बॉयलर में गैसेस जलती हैं, ये जो पिछले स्लाइड में आपको ये बॉयलर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो बॉयलर है इसमें कोयला या गैस या जो भी चीज़ जलाई जाती है, जब वो जलता है तो उसके जलने से जो धुआं निकलता है, उसमें जो गैसेस होती हैं वो खतरनाक होती हैं, हार्मफुल होती हैं, ह्यूमन बॉडी को नुकसान कर सकती हैं, वो एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकती हैं। उसमें जो मेन कंटेंट होते हैं वो सॉक्स नॉक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो चिमनी की हाइट इसलिए ऊपर कर दी जाती, इतना हाई बना दिया जाता है कि जो इससे फ्लू गैस के साथ जो हानिकारक गैसेज निकलें वो एटमोसफियर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक ही व्यक्ति एक बोतल जहर न पी ले, हर व्यक्ति उसका एक एक बूंद जहर पी पाए, इसलिए जो है ये चिमनी की हाइट इतनी ऊंची रखी जाती है। इसका दूसरा कारण ये है कि जो पिछले स्लाइड में आपने देखा था, इस बॉयलर से जो फ्लू गैस निकलती है वो बहुत ही गर्म होती है। तो क्या होता है, अगर उसे यहीं पर डिस्पर्स कर देंगे तो इस आसपास के पौधे, पक्षी, वातावरण और टेम्परेचर सब बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को नुकसान होगा। तो एक तो इस चिमनी में जब वो ट्रेवल करता है तो ठंडा भी हो जाता है, और एटमॉस्फियर में मिलने से पहले उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण ये हुआ कि जो चिमनी जो फ्लू गैस में पॉल्यूटेंट है, जो सॉक्स और नॉक्स या जो भी ऐसी गैसेज हैं जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान करें, वो ज़्यादा से बड़े एरिया में फैल जाएं, हवा से उड़ के दूर दूर तक बिखर जाएं, इसलिए चिमनी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, उसको देखने के लिए चिमनी को थोड़ा नज़दीक से देखिए। ये चिमनी का बेस है, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो है ये चिमनी है, और ये जो है चिमनी का आपका बेस है। बॉयलर से निकलने वाली गैस डक्ट या पाइप या जो भी कह लीजिए, उससे कनेक्ट हो करके इस चिमनी के अंदर इंटर हो रही है। जो ये गैस होती है वो गर्म होती है, जो चिमनी के अंदर जा रही है उसका जो गर्म गैस होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी, जो बाहर की गैस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर इसके दूसरे साइड से आप देखेंगे तो इसमें एक ओपनिंग भी होगा, जिससे कि अंदर की ओर एयर सक हो सके, तो बाहर से हवा अंदर की ओर इंटर करेगी। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, जो चिमनी इसमें दिख रही है, तो इस हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और जो ग्राउंड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उसमें डिफरेंस होगा। तो क्या होगा, जो हाइट पर प्रेशर होगा वो कम होगा, और ग्राउंड लेवल पर
ग्राउंड लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जैसे ही जैसे इसके अंदर फ्लू गैस इंटर करेगी तो उसको ऊपर भेजने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक सक होगी और बाहर की ओर निकल जाएगी। चिमनी की हाइट जितनी ज़्यादा होगी सर्कुलेशन उतना ही अच्छा होगा, आपको कोई पंखा कोई एग्जास्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट होगा जिससे कि चिमनी के अंदर जो फ्लू गैस बॉटम में इंटर हो रही है वो नेचुरली ऊपर की ओर जाकर के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। तो चिमनी की हाइट ऊंची रखने का मात्र दो कारण है, एक पॉल्यूशन को ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा नुकसान ना हो, और दूसरा नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट करना, मतलब ऑटोमेटिक अपने आप बिना किसी एग्जास्ट फैन को लगाए जो उसके बॉटम में हम फ्लू गैस इंटर या गैस इंटर कर रहे हैं जिसमें कि हानिकारक गैसेस हैं वो नेचुरली ऊपर से निकल जाएं, किसी भी तरह का एनर्जी कंजम्पशन ना हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।